देख सकते हैं हम लोगों की ट्रिप जो है वो निकल चुकी है। तो यहाँ पर पापा मम्मी मैं बच्चे हम लोग मस्त तरीके से निकल चुके हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो कहाँ कहाँ स्टे करेंगे सारा डिटेल में शेयर करते जाएंगे। सो जी अब रास्ता हो गया है शुरू एंड धक धक शुरू हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकलेंगे कहाँ कहाँ स्टे करेंगे। तो ये आ गया हमारा रेड फोर्ट। तो आगरा की शान है और ताजमहल है रेड फोर्ट है। तो यहाँ से होते हुए तो ये हमारी ट्रिप का पहला स्टॉप है जहाँ की हमने चाय ली है और मस्ती करते हुए हम लोग निकल पड़े हैं। हर्षित अंजन ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है। हमें छोटा सा ढाबा मिला था तो यहाँ हमने चाय ली है और निकल पड़े हैं। यहाँ मुझे छोटी सी शॉप भी मिली थी तो जस्ट बगल में ही है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉयज वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी। तो यहाँ मम्मी भी लगी हुई है चाय। तो मैंने तो हर जगह यहाँ पर ना दो दो चाय पी है। तो मस्त चाय पीते हुए हम निकल चुके हैं आगे की यात्रा पर। देखिए हर शीतल में तो मस्त लड़ाई चल रही ये सब पीना जीरो के नशे करते हम खाने वाली चीजें। ओहो यार औकात के बाहर चलो। अच्छा नहीं तो जाती हूँ मैं नहीं आ पाती क्या आइए तो उसे देखते हैं मजा आएगा। तो फ्रेंड हम फुल ऑन मस्ती करते हुए जा रहे हैं गाड़ी में। एंजू कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। हर्षित कैसा लग रहा है बाबू? मैंने मजा के नशे कर लिए तो मेरे से कुछ माजा के नशे कर लिए। गाइस मैं सो रहा हूँ। इसने माजा के नशे कर लिए तो मैंने भी चाय के नशे कर लिए हैं सस्ते नशे। तो मैंने भी स्नैक्स के नशे कर लिए हैं। हाँ अच्छे वाले टेस्टी वाले टेस्टी वाले छोटी बच्ची नहीं गाइस हैं यहाँ पर लिया है गाइस। छोटी बच्ची है छोटी बच्ची हो क्या हो गई लड़ाई हो गई कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी बस 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 गाड़ी में नहीं लड़ते गाड़ी में नहीं लड़ते गाड़ी में नहीं लड़ते। और हम लोग करने वाले हैं खाना और डिनर की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ ऑर्डर कर दिया खा पी के निकल चुके हैं आ गए हैं रूम में। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टे है वो है हरिद्वार में। तो पहला हमने किस स्टे लिया है वो है हरिद्वार। सो यहाँ रूम भी अच्छा खासा मिल गया है डबल बेड मिल गए हमको एक ही रूम में। तो आराम से मस्त हो है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये देखिए हरिद्वार की सुबह हो चुकी है और खिड़की के बाहर मुझे कुछ देखा नहीं मुझे लगा साथ अच्छा अच्छा व्यू मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम चल पड़े हैं मम्मी देखी जिससे हम लोग अपना टेंशन ले आए थे क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो क्योंकि रात को चार्ज बिल्कुल किया क्योंकि हमारा फोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका था। तो आपको पूरा रूम का विजिट दे देती हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पूरा आपको एक अलमीरा दी हुई है ओपन है और यहाँ पे कर्टिन वगैरह यहाँ पे एसी भी हम लोगों को मिल गया था कि इससे सफोकेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। एंड रूम भी काफी बढ़िया क्योंकि हम लोग पांच जन थे तो हम लोगों को डबल बेड मिल गया एक ही रूम में। तो मस्त तरीके से हम लोग सोए हैं बट ये वो है हाँ हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। मम्मी अभी फैली पड़ी हुई है हमारी बस नहा धो के रेडी है। तो ये हमारे हर्षु भाई ये हमारे अजू भाई ये हमारी मम्मी। हाय करो मम्मी। हाय जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। ये हमारे पापा है सामने शीशा है आप खुद ही देख लो। यहाँ हमारा शीशा है जिसमें हम देख के तैयार हुए हैं। वो वाला फोन लिया वो हमारा रूम का 204 में हम रुके हुए थे। बाथरूम का भी विजिट दे देती हूँ। तो ये 4000 का हमें आराम करने देते हैं क्योंकि मम्मी थोड़े से सफर में थक चुकी हैं। तो आप एक बार यहाँ का भी विजिट ले लीजिए। चल ये हमारी अजू भाई लगी हुई हैं डोरबेल पे। मम्मी ध्यान रखना ठीक है आते हैं। स्पेस काफी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
हमारा रूम था एंड जस्ट रूम के सामने आप देखिए व्यू, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्कुल माउंटेन बने हुए हैं। तो चलो जी सामने पहाड़ पहाड़ है, चलो एक एक हाथ कर लो। तो इसके सामने ही हम लोगों ने मम्मी मम्मी ताकि प्रॉब्लम ना हो, और हाँ सही है तो चलो ओके। गंगा स्नान हुआ? हो गया। कैसा लग रहा है ये? मजे आ गए। मजे आ गए? कैसा लग रहा है गंगा जी के? कैसा आ रहा है पापा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भैया हर घर गंगे हर गंगे। चलो चलो वापस चल दिए हैं हम लोग फिर से होटल की तरफ। यहाँ पर आप बॉटल वगैरह आपको मिल जाएगी, आपको गंगा जी गंगा जल स्टोर करना है घर लेके जाना है, तो हम लोग चल रहे हैं होटल की तरफ। तो काफी थक गए थे, सीढ़ियाँ काफी खड़ी थी हम लोगों की, और यहाँ से पहले हम लेंगे चाय। तो सुबह का टाइम हो चाय ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, मौसम बहुत अच्छा था। तो आप देख सकते हैं मैं जा रही हूँ तो चाय लेते हैं और घर आते हैं। मैं यहाँ पहले निकल जाऊंगी, पापा मामा लेकर आएंगे चाय। सो यस अब मतलब वाइब बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि चाय पी के अब हम लोग थोड़ा सा अब निकलेंगे यहाँ से क्योंकि हमें निकलना है केदारनाथ के लिए। तो यस हम लोग निकल चुके हैं, आप देख लीजिए मेन मार्केट में हम लोगों ने। हम लोगों ने मेन मार्केट में रूम ना देखा क्योंकि हम लोगों को रात में रूम देखने में बहुत टाइम लगा क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि मतलब मेन मार्केट में ही अंदर घुस के ना मिले और रोड ही मिल जाए क्योंकि हम गाड़ी निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। अभी और जो निकलते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं, अपने प्यार साथियों जी बनाए रखिए, ये देखते हैं मजा आएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो भीड़ देखिए आप, यहाँ पे भीड़ बहुत लंबी लाइन हो रखी है। यहाँ हमारी गाड़ी गर्म पड़ गई है और ये देखिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ।
और यहाँ पर भी हम चाय पीने के लिए स्टे किया हुआ है क्योंकि गाड़ी भी काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को निकले हुए। तो यस यहाँ पर छोटा सा ढाबा है क्योंकि यहाँ पर ना आज चीज़ें नहीं हो पाती, आगे लॉन्ग रूट पे तो ना और भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो यही हम लोगों ने चाय पीनेगा। और ऋषिकेश का रास्ता यहाँ पर रैपलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे बैक साइड में देख सकते हैं। और हमारा जो चाय की टपरी है उसके पीछे के समय गंगा जी बह रही है पीछे से, एंड व्यू बहुत अच्छा है। तो अगर आपको मैं तो फ्रेंड जगह जगह पानी पीते रहें क्योंकि बॉडी में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेट बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मस्त तरीके से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने आलू का पराठा अचार के साथ और दही के साथ ले लिया था, बिल्कुल बढ़िया मिल गया था एकदम से कड़क पराठा पापा का। सो जी यहाँ पर गाड़ी फिर से स्टे की है क्योंकि गाड़ी बड़ी गर्म पड़ गई, चढ़ाई बहुत खड़ी थी यहाँ के लिए केदारनाथ जी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, वाओ खाई को देख के डर भी लग रहा था। तो भी केदारनाथ तो भी काफी दूर है, तो चलिए जी रास्ता बड़ा खतरनाक है, हम निकलेंगे पहुंचेंगे। सो मंदाकिनी की जो लहरें उड़ के आ रही है ना बिल्कुल बिल्कुल सन सन करती आ रही है, बड़ा डर सा भी लग रहा था बट अच्छी वाइब आ रही थी, बहुत सुकून सा मिल रहा था। पीछे वाला मोड़ वाला है, बहुत अच्छा है यहाँ का और ठंडा ठंडा सा। हम लोग सोच रहे थे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर चेक किया था ना फोन से तो 8-7 ऐसा टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि 16 टेम्परेचर है घर में। फिर भी है, फिर भी यहाँ पर हम लोग आगरे से आए तो आगरे के मुताबिक तो इतना नहीं है, पर फिर भी हाँ गर्मी है, हवा अच्छी चल रही है। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. चढ़ गए थे रूम के लिए और देखो मम्मी आ रही है, क्या स्लाइड मार के आएंगी गाड़ी, इतना ज्यादा डर गई थी, इतनी हालत खराब हो चुकी है इन लोगों की डर की वजह से, बहुत ज्यादा डर की वजह से। केदारनाथ रास्ते में आप सनसेट भी देख लीजिए, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ में, तो यहाँ पे है फाटा जगह, यहाँ पे आपको स्टे मिल जाएगा। तो हम लोग सोनप्रयाग में ना रुकते हुए हम लोग फाटा में स्टे किया है हम लोगों ने, और उसके साथ ही आज रात हम यहीं स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे हम केदारनाथ चढ़ाई के लिए, सोनप्रयाग से जाएंगे गौरी। सिक्स रूम का बेड हम लोगों ने ले लिया है ताकि अच्छे से, सिक्स बेड का रूम ले लिया है हमने और यहाँ पे वॉशरूम है थोड़ा सा और इंटीरियर भी काफी अच्छा है। ओके ओके है जी, तो फाटा में रुके हुए हैं, रात के बज रहे हैं 10:30 और लगी है हम लोग को बहुत तेज भूख, तो हम खाने की सोच रहे थे क्योंकि कम से कम हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग प्याज़ से नहीं खाते, तो खाना बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिल पाता है, तो खाने में हम लोगों को ज़्यादा वैरायटी नहीं मिल पाती, लाइक सब जो पीली वाली दाल है और अरहर की दाल मिर्ची, हमारी मम्मी वाली मिर्ची लाई हूँ अपने हाथों से बनाई है उत्तराखंड में, तो मस्त खाने का हो रहा है वेट। और एंजू को नहीं खाना है, उसको खाना है मैगी, तो उसकी डिमांड में मैगी भी हाजिर हो गई है। फूली निकली गए हैं पापा,
मैं इसके अंदर खच्चर है जो की पहुंचा। कहां जूम मार रही है तुम? क्या बोल रहा है? कहां जूम मार रही है तुम? चुप रह बेटा। थैंक यू।